हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। क्लास टेंथ की मैथ्स की वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे थे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे वर्कशीट नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसमें देखिए कितने प्रश्न हैं। पहले पेज है, पेज नंबर 13 पे 8 प्रश्न हैं और उसके बाद पेज नंबर 14 पे दे रखे हैं 12 तक प्रश्न, यानी 9 से 12। तो टोटल 12 प्रश्न हैं। इन 12 प्रश्नों के सही उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी किस तरह से प्रश्न हल हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी ही ये वर्कबुक कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण निकाय 3x/2 5y/3 = 7 तथा 9x + 10y = 12 का युग्म संगत है, असंगत है, संगत है तथा केवल एक हल है और संगत है तथा अनेक हल है। तो इसका उत्तर है असंगत है, ऑप्शन नंबर ब। अब ये बी ऑप्शन कैसे आया इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने हल किया है, आपको ये समीकरण लिखनी है। उसके बाद देखिए A1 और A2, B1 B2 C1 C2 आपको लिखना है। A1 हो गया 3/2, A2 हो गया 9, B1 हो गया 5/3, B2 हो गया 10, C1 हो गया -7 और C2 हो गया -12। अब इसको तुलना करनी है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। तो आप इसको हल करेंगे 3/2/9, 5/3/10 और -7/12। इसको हल करने पर A1/A2 आ जाएगा 1/6, B1/B2 आएगा 1/6 और C1/C2 आएगा 7/12। इसलिए A1/A2 = B1/B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर 9 है, इसको बीजगणित रूप में लिखिए। अब देखिए एक संख्या का 3 गुना, तो माना कि वह संख्या x है तो उसका 3 गुना क्या होगा 3x, दूसरी संख्या y है तो उसका 2 गुना होगा 2y। इसका अंतर यानी 3x - 2y = 9 लिखना है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। सॉल्यूशन आगे बताऊंगी मैं। तीसरा है, 7 सेबों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसको बीजगणित रूप में लिखिए। यहाँ भी ऐसे ही करना है, 7x + 4y = 45, ऑप्शन नंबर अ राइट ही है, ये आपको राइट करना है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, क्या बिंदु 2-3 रेखा 3x - 2y = 5 पर स्थित है, तो इसको लिखना है नहीं, क्योंकि देखिए x का मान 2 और y का मान 3 रख के देखिए, 3 × 2 - 2 × 3 = 6 - 6 = 0 जो कि 0 बराबर नहीं है 5 के। पांचवा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल बताऊंगी, देखिए दूसरे प्रश्न का हल लिखा था और पांचवे का देखिए। तो माना पुत्र की आयु x वर्ष है, पिता की आयु y वर्ष है, प्रश्न दे रखा है दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो x + y = 40 करना है, इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। फिर 3x = y, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पुत्र की आयु का 3 गुना पिता की आयु है, इसलिए समीकरण 2 से है वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर x + 3x = 40, 4x = 40, x = 40/4, x = 10। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 3 गुना यानी 3 × 10 = 30 वर्ष। ये हो गए हमारे 5 प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा प्रश्न है, x = 2 और y = 3 का आलेख बनाने पर किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो अब संख्या रेखा पे देखिए, x = 2 और y = 3, इसको आप खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। सातवां है, रैखिक समीकरण युग्म √2x + √3y = 0 तथा √3x - √2y = 0 का हल लिखिए। तो इसका हल करेंगे हम, देखिए सीधा इसमें नहीं लिखा है, मैंने अलग से बताऊंगी। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है √2x + √3y = 0, इसको लिखना है समीकरण नंबर 1। अब फिर है √3x - √2y = 0, उसको लिखना है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को √2 से तथा समीकरण 2 को √3 से गुणा करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 2x + √6y
बराबर जीरो, तीन एक्स माइनस अंडर रूट छः वाई बराबर जीरो, पाँच एक्स बराबर जीरो हो जाएगा और एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। एक्स का मान समय रेख में रखने पर अंडर रूट दो इंटू जीरो प्लस अंडर रूट तीन वाई बराबर जीरो, जीरो प्लस अंडर रूट तीन वाई बराबर जीरो, अंडर रूट तीन वाई बराबर जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो यहाँ से इस पक्ष में जाएगा, वाई बराबर जीरो, अतः एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी जीरो दिए गए समीकरणों के अभिष्ट हल हैं। ये हो गए हमारे सात प्रश्न। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठ को। दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर आठ व आठ एक्स माइनस तीन वाई बराबर दो को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए आठवें प्रश्न का उत्तर बताऊंगी मैं अंतिम में, देखेंगे इसको यानी कि लास्ट पेज पे है। दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर आठ समीकरण नंबर एक, और आठ एक्स माइनस तीन वाई बराबर दो समीकरण नंबर दो लिखना है। समीकरण एक से तो एक्स बराबर आठ माइनस तीन वाई, तो एक्स बराबर आठ माइनस तीन वाई बटा दो, देखिए दो एक्स के साथ गुणे में था, ये वाला दो यहाँ आ गया है, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर तीन। समीकरण तीन से एक्स का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, तो एक्स का मान है आठ माइनस तीन वाई बटा दो, इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर दो में, तो आठ गुणा आठ माइनस तीन वाई बटे दो माइनस तीन वाई बराबर दो। तो अब देखिए क्या होगा, दो एकम दो और चार दूनी आठ, तो ये हो जाएगा चार आठ चौक बत्तीस, बत्तीस माइनस चार तिया बारह, बारह वाई माइनस तीन वाई बराबर दो, बत्तीस माइनस पंद्रह वाई माइनस बराबर दो, तो ये होगा बत्तीस यहाँ पर है, ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएंगे, तो पंद्रह वाई बराबर तीस, वाई बराबर तीस बटे पंद्रह, वाई बराबर दो उत्तर आ जाएगा। फिर वाई का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे, तो दो एक्स प्लस तीन इंटू दो बराबर आठ, दो एक्स प्लस छः बराबर आठ, दो एक्स बराबर आठ माइनस छः, दो एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो बटा दो बराबर एक, तो एक्स का मान एक और वाई का मान दो, इस प्रकार ये आठ तो हो गए। अब देखिए सवाल नंबर नौवा, नौवा सवाल है, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर दस व दो एक्स माइनस दो वाई बराबर दो को विलोपन विधि से हल करें। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर दस और दो एक्स माइनस दो वाई बराबर दो, दो समीकरण दे रखिए, विलोपन विधि देखिए, समीकरण एक को दो से और समीकरण दो को तीन से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा छः एक्स प्लस आठ वाई बराबर बीस, और दूसरी हो जाएगी छः एक्स माइनस छः वाई बराबर छः। तब समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाने पर छः एक्स प्लस आठ वाई बराबर बीस और छः एक्स माइनस छः वाई बराबर छः घटाएंगे तो चौदह वाई बराबर चौदह हो जाएगा, वाई बराबर चौदह बटे चौदह, वाई बराबर एक हो जाएगा। अब वाई का मान जो है एक आया है उसको समीकरण एक में रखेंगे, तीन एक्स प्लस चार वाई, तीन एक्स प्लस चार गुणा एक बराबर दस, तीन एक्स बराबर दस माइनस चार बराबर छः, एक्स बराबर छः बटा तीन, एक्स बराबर दो, समीकरण का हल होगा एक्स बराबर दो और वाई बराबर एक। तो ये हो गया हमारा नौ प्रश्न। दसवा प्रश्न देखिए, आठ एक्स प्लस पाँच वाई बराबर नौ व तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर दो को वज्र गुणन विधि से हल करें। इसको हल करेंगे आगे, आठ एक्स प्लस पाँच वाई बराबर नौ और तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर दो, इसको हम हल करेंगे, आठ एक्स प्लस पाँच वाई माइनस नौ बराबर जीरो, तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस दो बराबर जीरो, एक्स यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, देखिए इस तरह हल करेंगे वज्रगुणन विधि से, पहले इसको इसको लिखेंगे पाँच और दो, फिर इसको इसको लिखेंगे माइनस नौ और दो, और क्रॉस गुणा कर देंगे, फिर वाई को कॉमन लेंगे, यहाँ पहले नौ और दो आएगा, फिर आठ और तीन आएगा, फिर एक कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों आठ एक्स और वाई के मान आएगा, आठ और पाँच और इधर तीन और दो, इसको हल करेंगे तो एक्स बटे माइनस दस माइनस माइनस अठारह बराबर वाई बटे माइनस सत्ताईस माइनस माइनस सोलह बराबर एक बटे सोलह माइनस पंद्रह, ये होगा एक्स बटे माइनस दस प्लस अठारह, एक्स बराबर एक्स बटे आठ हो जाएगा इसका, फिर होगा वाई बटे माइनस सत्ताईस प्लस सोलह, वाई बटे माइनस ग्यारह होगा और आगे आएगा एक बटा एक, एक्स बटे आठ बराबर एक बटा एक, एक्स का मान आएगा आठ, वाई बटे माइनस ग्यारह बराबर एक बटा एक, तो वाई का मान आएगा माइनस के ग्यारह। तो ये दसवां प्रश्न भी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन, समीकरण निकाय पाँच एक्स माइनस वाई बराबर पाँच और तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन को संतुष्ट करने वाले बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसको समीकरण को हल करना है। इसके बाद देखेंगे बारहवां प्रश्न, लास्ट ही है ये, दो ही प्रश्न बाकी हैं। अब देखिए सारणी बनानी है,
दिया गया समीकरण युग्म है 5x-y = 5 समीकरण एक, 3x-y = 3 समीकरण नंबर दो। समीकरण एक से y बराबर हो जाएगा 5x-5। अब x बराबर 0 रखिए, x बराबर 1 रखिए और x बराबर 2 रखिए। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 1 और 2 रखना है। तो ये हो जाएगा, पहला मान क्या आएगा -5, दूसरा आएगा 0 और तीसरा आएगा 5। तो हमने x बराबर 0, 1 और 2 रखा, इससे y का मान आ गया -5, 0 और 5। इस प्रकार हल हो जाएगा। समीकरण दो में y बराबर 3x-3, फिर यहाँ पर भी देखिए x का मान 3 के साथ जो x है यहाँ पर 0, 1 और 2 रखेंगे। तो जैसे ही रखेंगे 3 × 0 - 3 तो 3 हो जाए, माइनस के 3 हो जाएगा। और y का मान, x का मान 1 रखने पर y हो जाएगा 0, y का मान, x का मान 2 रखने पर y हो जाएगा 3। तो इस प्रकार ये सारणी हमको दोनों फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, लास्ट प्रश्न है इसका। k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। तो यहाँ समीकरण दे रखी है, इसका हल देखेंगे हम। 3k+1 × x + 3y - 2 = 0 और k² + 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, प्लस k-2 × y - 5 = 0। दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए प्रतिबंध है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के। तो इसको इस तरह हल करेंगे, a1 का मान है 3k, a2 का मान है k² और b1 का मान है 3 और b2 का मान है k-2, c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5। तो इस मान को रख के आपको हल करना है। इस प्रकार आप हल कर देंगे तो ये लास्ट में देखिए यहाँ हो जाएगा 3k+1 k² + 1 = 3/k-2। तो वज्र गुणा करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, कैंची गुणा। तो 3k+1 का गुणा हो जाएगा k-2 से और k² + 1 का गुणा हो जाएगा 3 से। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 3k² - 5k-2 = 3k² + 3 - 5k - 2 = 3 - 5k = 5 / -5 = 1। k - 1 के लिए निम्न वक्तव्य सही है, 3/k-2 = 2/5 के। अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि k = -1 है। तो इस प्रकार ये 12 प्रश्न थे इस वर्कशीट के। 12 प्रश्न के उत्तर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बने रहिएगा चैनल पर।